मायावती ने भेजा पीएम मोदी को जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा। वीडियो देख बीजेपी कार्यकर्ता भी कहेंगे बहन जी जिंदाबाद। आप राम मंदिर निर्माण की तस्वीर देखते रहे, उधर बीजेपी और बसपा में हो गई ऐसी डील, 160 सीटों पर जीत हुई पक्की। विपक्ष का जितना बड़ा नेता मोदी का उतना ही बड़ा फैन, माया हो या फिर मुलायम, सब क्यों करते हैं मोदी की जीत की दुआ। पीएम मोदी को जो तोहफा कभी रूस वाले दोस्त पुतिन नहीं दे पाए, अमेरिका वाले जो बाइडेन जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं पाए, उससे भी महंगा तोहफा मायावती ने दे दिया है। जन्मदिन से करीब 8 महीने पहले पहुंचे इस तोहफे से मोदी इतने गदगद हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पर इसके बारे में जाने से पहले आपको बीजेपी और बसपा के बीच में अयोध्या में जो डील हुई है उसे समझना होगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि करार के मुताबिक अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी सोच समझ कर रखा गया है, ताकि भगवान राम ने जो जात पात मिटाने का संदेश दिया था वो भी संदेश लोगों तक पहुंच जाए और दलित वोटर्स तक ये बात भी पहुंच जाए कि बीजेपी उनके बारे में कुछ बड़ा सोच रही है। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, भगवान राम के गर्भगृह से थोड़ी दूरी पर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, निषाद राज, माता शबरी और अहिल्या देवी के मंदिर बन रहे हैं। ये मंदिर वोट बैंक के लिहाज से सबसे खास हैं। जब बीजेपी ये कहेगी कि हमने भगवान राम का मंदिर बनवाया, तो आने वाले दिनों में मायावती भी ये दावे के साथ कह सकेंगी कि मंदिर में महर्षि वाल्मीकि और माता शबरी को स्थान दिलाने के लिए हमने खूब प्रयास किए। जो ये संदेश होगा कि दलित वोटर्स का नेशनल लेवल पर अगर कोई हित कर सकता है तो वो बीजेपी ही है। अब इसके बदले में दोनों पार्टियों को क्या मिलेगा ये भी समझना होगा। जिस दिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था, उसके कुछ ही दिन पहले ही स्मारक घोटाले में मायावती के करीबी के घर ईडी की रेड पड़ी थी, जो सालों से दबी हुई थी, जिसके बाद दबे सुर में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि मायावती इसी डर से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं। पर हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से सच में बीजेपी को फायदा होगा, तो जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले थे। साल 1993 में बसपा ने सपा के साथ सांठगांठ कर यूपी चुनाव लड़ा था, तो 12 से 67 सीटों पर पहुंच गई। 1996 में बसपा ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया, तो सीटें नहीं बढ़ी पर वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। साल 2019 में सपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, तो 10 सीटों पर बसपा को जीत मिली, जबकि इससे पहले साल 2014 और उसके बाद 2022 में अकेले चुनाव लड़ा तो खाता भी नहीं खोल पाई। मतलब जब जब बसपा सपा के साथ आई, बीजेपी को नुकसान हुआ क्योंकि दलित वोट एकमुश्त हो गए। लेकिन 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राम मंदिर में जिस तरह से मूर्तियों पर सियासत की बात अब सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि दलित वोट अब बीजेपी के पक्ष में भी आएगा। यहां तक कि कई न्यूज चैनल्स ने सर्वे किया तो 50% से ज्यादा लोगों ने यह माना कि मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा और यही मोदी के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। 400 सीटों का सपना पूरा करके मोदी राजीव गांधी के जिस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं, उसमें मायावती की भूमिका इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि देश की 160 सीटों पर दलित वोटर्स का सीधा प्रभाव है, जिनमें से आधी से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां मायावती के कहने पर रुख पलट सकता है। तो मायावती का अकेले चुनाव लड़ना मोदी के लिए कितना बड़ा तोहफा है, आप खुद ही तय कर सकते हैं।